हाय, मैं हूँ अमृता। दोस्तों, बचपन में हमने काफी बार सोचा होगा ना कि एक दरवाजा खोलते ही हम जादू के नगरी में चले जाए। ऐसी ही आज की कहानी है, जहाँ पे एक मिरर से एक लड़की एक अनजान दुनिया में कैद हो जाती है। कहानी की शुरुआत में हम एलिस नाम के एक औरत को देखते हैं, जो न्यूयॉर्क में जूडो टीचर है। वहीं पर हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो असल में उसका पार्टनर है। अब दोनों भी वहाँ पे कुश्ती करते हैं, जिसके बाद वो जैक को याद दिलाती है कि उसके मम्मी ने आज उसे चाय पे बुलाया है, और एलिस घर आने के लिए निकलती है, जहाँ पे हम देखते हैं एलिस अपनी माँ कैरल के साथ रहती है, और उसके पिता उसके 10 साल की उम्र में ही कहीं गायब हो गए हैं। अब शाम हो जाती है और जैक एलिस के घर आने निकलता है और उसके लिए फ्लावर्स ले रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन उन्हें वो इग्नोर करके आगे चला जाता है। खैर, घर पर इन तीनों का डिनर काफी अच्छा चल रहा होता है, और तभी जैक को एक मैसेज आता है जिस पर लिखा हुआ था रन। लेकिन जैक यहाँ पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता, और अब खाने के बाद जब दोनों अकेले थे, तब वो सीधा एलिस को रिंग देकर प्रपोज करता और कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन एलिस इस बात से थोड़ी हैरान होती है और कहती है कि हमें मिले कुछ ही महीने हुए हैं, इतने जल्दी शादी करना सही नहीं होगा। अब जैक उसे गुड बाय कहता है, हग करके वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद एलिस की माँ केरल आकर उसे समझाने लगती है कि उसे जैक को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी एलिस देखती है कि जैक दरअसल उसकी रिंग वहीं पर छोड़ गया है। ये देखकर उसे थोड़ा गुस्सा आता है कि मना करने के बाद भी ये रिंग देके गया है, इसीलिए वो जैक को वो लौटाने के लिए बिल्डिंग के बाहर आती है। थोड़ा आगे चलने पर वो देखती है कि एक डार्क एली में कुछ लोग जैक को जबरदस्ती बेहोश करके लेकर जा रहे हैं। एलिस ये सब कुछ देखकर हैरान होती है कि तभी एक गली से एक बुजुर्ग आदमी आता है, जिसका नाम व्हाइट रैबिट है, जो वो बताता है कि हम जैक के दोस्त हैं और उसने एक रिंग चुराई है, इसीलिए उसे सजा होने वाली है। एलिस तुरंत उस रिंग को हाइड कर देती है, लेकिन उस आदमी को पता था रिंग इसी के पास है और उसके ऊपर हमला करता है, जिसके बाद वो रिंग का डब्बा उठाकर वहाँ से भागने लगता है और एक बड़े से अबैंडन जगह पे आता है, जहाँ पे एक बड़ा सा मिरर था, उसमें सीधा कूद जाता है। अब एलिस भी उसका पीछा करते हुए सीधा मिरर में कूद जाती है और एक अजीब से टनल में गिरते हुए वो एक बिल्डिंग में आके गिरती है, जहाँ सामने उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसे वो फॉलो करने लगती है। लेकिन एक दरवाजा खोलते ही वो सीधा बिल्डिंग के एज पर आती है। नीचे बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी, ये देखकर उसे चक्कर आने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये पूरा शहर अजीब सा है, अबैंडन पड़ा हुआ है। खैर, आगे उसे वो आदमी दिखाई देता है जिसके साथ कुछ लोग भी होते हैं, जो जैक को पकड़कर एक बिल्डिंग में लेकर जा रहे हैं। वो उस बिल्डिंग में जाने वाली थी कि तभी ऊपर एक एयरक्राफ्ट आता है और उसकी लाइट एलिस के हाथ पर पड़ती है और एक टैटू तैयार होता है। खैर, अब इसके बाद वो उस बिल्डिंग में आती है जैक को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी उसे एक रूम में एक अजीब तरह रेड लिक्विड की बॉक्स मिलती है, जिसपे लिखा हुआ था क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। उस रूम में दो छोटी छोटी खिड़कियां भी होती है, उसमें झांक कर वो देखती है तो उस तरफ ऐसे ही छोटे छोटे रूम्स थे और उसमें लोगों को बेहोश करके रखा गया था और उनके शरीर पर भी वैसे ही टैटू थे जैसे एलिस के शरीर पर था। वो आगे कुछ समझ पाती उसके पहले इस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और ये रूम जकड़ने लगता है और एक कैबिनेट में बदल जाता है, और तभी रैबिट एक दूसरे होल से उसे देखने लगता है और कहता है कि अभी तुम आ गई हो पकड़ में, अब बच नहीं सकती। और हम यहाँ बाहर देखते ही एक बहुत ही बड़ा बॉक्स होता है, अचानक से वो मूव होने लगता है और हम देखते हैं वो एयरक्राफ्ट इस सारे बॉक्सेस को लेकर जाता है जिसमें सारे लोग कैद हैं। अब एलिस इस बॉक्स का दरवाजा ढूंढने लगती है और नीचे उसे एक कुंडी मिलती है, जिसे वो अपने हेयर पिन की मदद से खोल देती है और वो दरवाजा ओपन होता है और देखते है कि नीचे पूरा समुंदर है। अब उसे कैसे भी बचना था, जिसके चलते वो सीधा समुंदर में कूद जाती है। हम देखते हैं पीछे वही अबैंडन सा अजीब शहर होता है और वो स्विम करते हुए वापस शहर में आती है। वहाँ पर उसे रैचर नाम का एक आदमी मिलता है, जो रेचल को धमकाने लगता है, लेकिन टैटू देखने पर वो थोड़ा डर जाता है। वो बताता है इन टैटू वाले लोगों को इस दुनिया में ऑयस्टर कहा जाता है और उनकी मदद करने पर उसे सजा हो सकती है। अब एलिस उसे रोकते हुए अपना नाम बताती है, जो सुन के वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था एलिस यहाँ के कहानियों में बताई गई एक महान योद्धा है और इसीलिए उसकी मदद करने के लिए वो तैयार हो जाता है।
और सबसे पहले तो उसके हाथ का टैटू एक कपड़े से कवर कर देता है, जिसके बाद वो उसे खुद का पीछा करने के लिए कहता है। जिसके बाद रेचर खुद टी हाउस नाम के एक जगह जाता है। अंदर आने पर एलिस देखती है यहाँ पे काफी सारे लोग महंगी महंगी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं। ये ड्रिंक्स दरअसल इंसानों के अलग अलग इमोशंस जैसे कि खुशी, आनंद, परमानंद, एक्साइटमेंट, एंजाइटी, डर, इनसे बनी हुई है। ये ड्रिंक्स पीते ही लोगों को इंस्टेंटली खुशी होगी या एक्साइटमेंट होगा या किसी के लिए फीलिंग आ सकती है। एलिस ये सब कुछ देख ही रही होती है कि तभी रेचर उसे बैक ऑफिस लेकर आता है, जहाँ हम देखते हैं हैटर को, जिस टी हाउस का ओनर है। अब रेचर उसे बताता है कि ये एलिस है। हैटर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन इसके बदले में रेचर कीमत मांगने लगता है, तो वो उसे एक महंगी ड्रिंक दे देता है और रेचर चला जाता है। एलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड जैक का पीछा करते हुए यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे हैटर बताता है कि ये जगह दरअसल एलिस एंड वंडरलैंड की ही जादुई दुनिया है, एक फैंटेसी। और जो एक्चुअली एलिस एंड वंडरलैंड की कहानी में से जो एलिस है, वो यहाँ पे 150 साल पहले आई थी। ये जगह असली में है। तभी एलिस कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड जैक को व्हाइट रैबिट और उसके कुछ लोग पकड़ कर लेकर गए हैं। तो हैटर बताता है कि व्हाइट रैबिट ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सूट नाम के लोग चलाते हैं, जिनका काम है इंसानों को उनकी दुनिया से पकड़ कर यहाँ पे लाना। फिर वो इंसानों के इमोशंस को ड्रेन करते हैं और उन्हीं में से ये अलग अलग ड्रिंक्स बनाए जाते हैं। और यहाँ के सारे लोग ऑलमोस्ट इस ड्रिंक के अधीन हो गए हैं और ये सारा काम एक कसिनो में चलता है। अब एलिस को लगता है कि जैक वही होगा, इसीलिए उसे भी अब कसिनो जाना था और हैटर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर वो एलिस को बैक डोर से बाहर निकालता है, लेकिन वापस से एक बहुत ही बड़ी एज होती है और नीचे बहुत बड़ी खाई। एलिस को अनइजी होने लगता है, लेकिन हैटर उसकी मदद करते हुए उसे लेकर जाता है। यहाँ दूसरी जगह हम कसिनो में देखते हैं, जो सिटी के दूसरे तरफ होता है। यहाँ पे ये पूरा कसिनो इंसानों के लिए ही है और अर्थ से इंसानों को लेकर आकर यहाँ पे कैद किया जाता है। उन्हें एक तरह से हिप्नोटाइज किया जाता है और अलग अलग गेम्स में उन्हें जितवाया जाता है, जिससे काफी सारे इंसान खुश हो जाते हैं और उनके इसी इमोशंस के कारण उनके टैटू ग्लो होकर एक जमीन के नीचे ये सारे इमोशंस चले जाते हैं। अंडरग्राउंड में हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ी लैब है जहाँ पे ये इमोशंस रिसीव होते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े टैंक्स है अलग अलग इमोशंस के। ये पूरी लैब कारपेंटर और वॉल्ड्रिस नाम का आदमी चलाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं व्हाइट रैबिट यहाँ आता है और यहाँ की किंग और क्वीन ऑफ हार्ट इन्हें जैक ने चुराई हुई रिंग का बॉक्स देता है। यहाँ में पता चलता है कि ये जो किंग और क्वीन है ये असली लोग नहीं है। इन्होंने व्हाइट रैबिट की मदद से इस जगह को छीन लिया था और पूरी जादुई दुनिया को बंजर बना दिया है और यहाँ के लोगों को इन ड्रिंक्स की लत लगा दी। अब क्वीन जब बॉक्स ओपन करती है तो उसमें रिंग नहीं होती, इसलिए वो काफी गुस्सा होती है और व्हाइट रैबिट को फायर करती है और अपने सबसे खतरनाक असैसिन मैड मार्च को यहाँ लाने का ऑर्डर देती है। लेकिन मैड मार्च का ऑपरेशन चल रहा होता है, उसके चेहरे पर काफी घाव होते हैं, लेकिन क्वीन ने आदेश दिया था, इसीलिए कारपेंटर उसके चेहरे पर एक मास्क लगाता है और क्वीन उसे ऑर्डर देती है कि उसे एलिस को कैसे भी पकड़ना है। तो यहाँ दूसरी तरफ हैटर एलिस को एक लाइब्रेरी लेकर आता है, जहाँ पे वंडरलैंड की ढेरों किताबें होती है। यहाँ पे काफी सारे रिफ्यूजी भी रह रहे हैं, जो क्वीन से बचने के लिए यहाँ पे आए हैं। जिसके बाद ये लोग लाइब्रेरी के ओनर डेडो से मिलने के लिए जाते हैं और एलिस उसे जैक के बारे में पूछती है, लेकिन डेडो इसके बदले में उसे रिंग देने के लिए कहता है। और यहाँ हमें समझ आता है कि ये रिंग दरअसल स्टोन ऑफ वंडरलैंड है, जिसकी मदद से ये लोग क्वीन को हरा सकते हैं। एलिस देने से इनकार करती है, इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को कहकर इन्हें गन पॉइंट पे रखता है। हैटर उन्हें रोकने के लिए आता है और तभी इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इस लड़ाई में एलिस भी कूद जाती है और अपने कराटे की मदद से वो डेडो को मारकर बेहोश करती है, जिसके बाद हैटर और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब एलिस को समझ आता है कि हैटर दरअसल इसे डेडो को बेचने के लिए आया था, इसीलिए वो उसके ऊपर गुस्सा होती है। अब ये दोनों भी टी हाउस में वापस आते हैं, लेकिन वहाँ पर रैबिट के आदमी पहुँच गए हैं, इसीलिए हैटर एलिस को लेके एक बोट से वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इसी दरमियान अचानक से एक प्लेन इन्हें फॉलो करने लगता है, इसीलिए ये लोग बोट को एक किनारे में छुपाकर जंगल में जाते हैं। लेकिन तभी एक अजीब सा क्रीचर जिसका नाम जैबर वॉक है, वो इनका पीछा करने लगता है और दोनों भी वहाँ से काफी भागने लगते हैं और एक गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं, इसीलिए वो क्रीचर इन्हें खा नहीं पाता। कुछ समय के बाद वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि एक नाइट यानी योद्धा है और इसका नाम चार्ली है।
वहीं दूसरी तरफ वो असैसिन इनका पीछा करते हुए जंगल आता है। तो यहाँ चार्ली इन दोनों को लेकर एक ओल्ड किंगडम में आता है जो कि एक जादुई नगरी थी, और यहाँ पे हम रियल किंग का थ्रोन और उसका कंकाल भी देखते हैं जिसे चार्ली आज भी पूछते आया है। ये सब कुछ देखकर हैटर थोड़ा इमोशनल होता है कि ये जगह पहले कितनी सुंदर थी और अब इसी क्वीन के कारण पूरा बर्बाद हो गया है, और इसीलिए वो एलिस से मदद करने के लिए मान जाता है। अब रात को ये तीनों वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। अब अगले दिन एलिस जैसे ही उठती है तब उसे वहाँ पे उसकी पुरानी बिल्ली दिखाई देती है जो उसके 10 साल की उम्र में ही मारी गई थी। वो कैट एक जगह उसे दिखाने लगती है और एलिस भी उसका पीछा करती है। ये एक बहुत ही बड़ा पेड़ है और उसके बीच में एक दरवाजा था जो ओपन करते ही एलिस को उसका घर दिखने लगता है, लेकिन तभी वो कैट एक अजीब से क्रीचर की तरह हंसने लगती है और वो दरवाजा लॉक हो जाता है। एलिस नोटिस करती है कि वो अचानक से छोटी हो गई है और ये उसका पुराना घर है, और वो तुरंत अपने पिता को घर में ढूंढने के लिए जाती है क्योंकि इस समय उसके पिता थे। और तभी उसे एक जगह पे एलिस वंडरलैंड की किताब मिलती है और अगले ही पल उसकी आंख खुलती है, वो उसी पेड़ के पास थी। तो यह दूसरी तरफ हैटर और चार्ली देखते है सुबह हो गई है और एलिस कहीं पे गायब है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकलते है। तो यहाँ पे एलिस खुद मैड मैच के पास आती है ताकि वो उसे अरेस्ट करे, और वो उसे क्वीन के पास लेकर आता है जहाँ पे क्वीन उससे रिंग मांगती है, लेकिन वो बताती है कि उसने रिंग यहाँ पे वो बताती है कि रिंग अभी अर्थ पर है, लेकिन वो उसे दे देगी अगर वो जैक और उसे रिलीज कर दे तो। ये सुनकर क्वीन हंसने लगती है और जैक को बुलाती है। जैक पूरा सूट बूट में अपने लोगों के साथ वहाँ आता है और यहाँ पता चलता है कि वो क्वीन का ही बेटा है। इस प्लॉट से एलिस भी काफी हैरान होने लगती है। अब जैक कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, ये सब कुछ एक नाटक था, और वो उसे रिंग वापस करने के लिए कहता है। और उतने में ही वहाँ पे डचेस नाम की एक लड़की आती है जो जैक की होने वाली वाइफ है। ये देखकर एलिस काफी गुस्सा होने लगती है, लेकिन यही मौका देखकर जैक उसे साइड में लेकर माफी मांगता है और उसके हाथ में कुछ रखता है और उसके कान में कहता है कि तुम्हारे पिता यही पर है, ये कहकर वो निकल जाता है। वही एलिस को भी ये लोग इंट्रोगेशन के लिए लेकर जाते हैं। तो यह दूसरी जगह जैक के पीछे पीछे डचेस भी आती है और उसे जबरदस्ती ऑनेस्टी वाला ड्रिंक देकर पूछती है कि तुमने रिंग एलिस को क्यों दी थी, तुम्हारा इसके पीछे प्लान क्या है। जैक कुछ बोलने वाला था कि तभी डचेस को क्वीन बुलाती है और क्वीन डचेस के ऊपर काफी गुस्सा होती है कि अभी तक उसने जैक के प्लान का बारे में कुछ भी पता नहीं किया है। वही दूसरी तरफ एलिस को देखते हैं। दरअसल जैक ने उसे उसी के पिता की एक घड़ी दी थी, यानी कि सच में वो इधर ही कैद है। तो यहाँ पे सोल्जर एलिस को ट्रूथ रूम में लेकर आते हैं जहाँ पे दो ट्विंस डॉक्टर होते हैं जो उसे हिप्नोटाइज करने लगते हैं, और एलिस खुद को अपने ही घर में पाती है और ये दोनों डॉक्टर उसे इलूजन से गाइड कर रहे होते है रिंग कहाँ पे है ये बताने के लिए। अपने घर में वो अजीब अजीब चीजें देखती है, अचानक से पूरा फ्लोर नीचे गिरने लगता है। एलिस एक लकड़ी पे खड़ी होती है और वो भी नीचे ढलने लगती है। उसे ऊंचाई से काफी डर लगने लगता है और काफी चक्कर आने लगता है। वही दो डॉक्टर बड़े से खिड़की से उसे देख रहे होते हैं। अब डरते हुए वो कन्फेस करती है कि उसे पता है कि रिंग कहाँ पे है और उसका लोकेशन ड्रॉ करने लगती है। तो यह दूसरी तरफ हैटर और चार्ली दोनों भी एलिस को ढूंढते हुए कैसीनो आते हैं और उसकी सिक्योरिटी को बेहोश करके अंदर आते हैं, और चार्ली अपने पावर से एलिस का लोकेशन ढूंढने लगता है जो कि ट्रूथ रूम है, और ये लोग ट्रूथ रूम में जाकर सीधा दरवाजा ओपन कर देते हैं। यहाँ पे एलिस नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन हैटर को देखकर वो एक बहुत ही बड़ी जंप मार देती है और हैटर उसे बचा लेता है, और तभी सारे सिक्योरिटी वाले उन्हें पकड़ने के लिए आते हैं। अब इसके बाद ये तीनों भी लिफ्ट से ऊपर आते हैं जहाँ पे और भी सिक्योरिटी से लड़ने लगते हैं, जिसके बाद ये तीनों भी हॉवरक्राफ्ट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आगे जाने पर कुछ सिक्योरिटी वाले इन्हें शूट कर देते हैं और ये लोग पानी में गिर जाते हैं। तो यहाँ जैक अपनी खिड़की से इन्हें उड़ते हुए देख लेता है, इसीलिए वो भी अपना एक प्लान बनाता है और बेहोश होने का नाटक करता है। और तभी वहाँ पे डचेस और कुछ सिक्योरिटी आते हैं, लेकिन वो गार्ड्स को मारकर डचेस को बांध देता है। दरअसल उसे डचेस ने काइंड ऑफ किडनैप किया होता है, इसीलिए अब वो भाग जाता है। अब यहाँ पे किंग और क्वीन गुस्सा होते हैं और दोनों को भी ढूंढने के लिए पूरी फौज लगा देते हैं। यहाँ हैटर और एलिस दोनों भी तैरते हुए बीच पर आते हैं। यहाँ पे हैटर जैक को काफी गाली मार रहा था, लेकिन एलिस उसे समझाती है कि जैक बुरा इंसान नहीं है क्योंकि जैक के कारण ही आज उसे पता चला है कि उसके पिता यहाँ पे कैद है। अब इसी दौरान इन्हें चार्ली भी मिल जाता है और यहाँ पे एलिस बताती है
कि उसे वापस कैसीनो जाना है जैक से बात करने के लिए, लेकिन हैटर कहता है कि ये सही नहीं होगा, हमें उसके पहले रेसिस्टेंस नाम के एक ग्रुप के पास जाना चाहिए ताकि इस लड़ाई में हम उनकी मदद ले सके। और वो बताता है जो लाइब्रेरियन है डोडो उसका बॉस है कैटरपिलर और वो एक अच्छा आदमी है, वो हमारी मदद कर पाएगा, और इसीलिए हैटर उसकी मदद लेने के लिए अपनी बोट लेकर निकल जाता है। अब शहर आने के बाद वो डॉर्माउस नाम के एक आदमी से मिलकर कहता है कि वो कैटरपिलर से डील करना चाहता है। तो यहाँ जंगल में चार्ली और एलिस दोनों भी बैठे हुए थे, तभी चार्ली बताता है कि मेरे राज्य के सारे नाइट्स मारे गए थे लेकिन मैं अकेला बच गया था, पता है क्यों? क्योंकि मैं एक बुजदिल इंसान हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैंने क्वीन के सामने अपनी नाक गिड़गिड़ाई थी और इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया और इसी बात का उसे पछतावा है। खैर, अब थोड़े समय के बाद हैटर लौट आता है और कहता है कि कैटरपिलर जल्दी ही अपना एक एजेंट भेजेगा हमारी मदद करने के लिए। यहाँ पे एलिस हैटर को ट्रुथ रूम में उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। दरअसल दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और वो उसे किस करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे जैक आता है। दरअसल जैक खुद भी रेसिस्टेंस ग्रुप का ही एजेंट है और खुद कैटरपिलर ने उसे यहाँ पे भेजा है इनकी मदद करने के लिए, यानी यही वो एजेंट था। दरअसल जैक को भी पसंद नहीं था कि क्वीन ने इस पूरी जगह को बंजर बना दिया है और इसीलिए उसने जानबूझकर रिंग चुराई थी ताकि क्वीन को वो हटा सके, लेकिन वो काम नहीं आया और इसी के चलते वो क्वीन के सामने एलिस को बचा नहीं पाया। आगे वो एलिस को कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा सकता हूँ लेकिन पहले मुझे उस रिंग की जरूरत है। अब ये जैक की ही रिंग थी, इसीलिए एलिस फाइनली उसे बता देती है कि रिंग अर्थ पर नहीं यहीं पर है, जो किंग का कंकाल है उसी पर वो रिंग होती है जो वो जैक को वापस दे देती है। अब एज प्रॉमिस वो उसे उसके पिता से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन हैटर और चार्ली के बिना, और ये दोनों भी घोड़े से निकल जाते हैं। अब थोड़े आगे जाने पर दोनों भी रेस्ट कर रहे थे तभी एलिस डचेस के बारे में उसे पूछती है। तब जैक कहता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और डचेस को सिर्फ मेरे माँ ने मुझ पे नजर रखने के लिए रखा है। अब थोड़े समय के बाद ये दोनों वापस निकलते हैं। हम देखते हैं हैटर और चार्ली इन दोनों को फॉलो कर रहा है। अब थोड़े समय के बाद जैक और एलिस हॉस्पिटल ऑफ ड्रीम्स में आते हैं और फाइनली यहाँ पे लोग कारपेंटर से मिलते हैं जो रेजिस्टेंट ग्रुप का लीडर है। यहाँ पे एलिस को वो पूरी जगह दिखाता है और बताता है कि जब से क्वीन ने इंसानों के इमोशंस यहाँ लाना शुरू किया है तब से यहाँ के कुछ लोगों के ऊपर काफी बुरा असर भी हुआ है, क्योंकि वो लोग अच्छे और बुरे इमोशंस को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ट्रोल और उसके जैसे काफी सारे क्रीचर्स है जो खुशी और गम को झेल नहीं पाते और उसके कारण अनस्टेबल हो गए हैं। वो आगे बताते हैं कि सिर्फ एलिस के पिता ही ये सब कुछ रोक सकते हैं, लेकिन वो अभी एमनीशिया के पेशेंट है, यानी क्वीन ने उनके यादों को मैनिपुलेट करके एलिस और अतीत के यादों को भुला दिया है और इसीलिए इनका मकसद था कि एलिस को यहाँ पे लेकर आएंगे जिससे उसके पिता को सारी चीजें याद आ जाएंगी। अब ये जानने के बाद एलिस जैक के ऊपर काफी गुस्सा होती है, यानी कि अब तक वो बस प्यार का नाटक कर रहा है। इसके बाद कैटरपिलर एक स्विच दबाता है और देखते ही देखते ये पूरी जगह का नक्शा ही बदल जाता है और दो लोग एलिस के पिता को सामने लेकर आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एलिस के पिता और कोई नहीं बल्कि लैब में काम करने वाले कारपेंटर, यही साइंटिस्ट है। अब एलिस अपने पिता को बचपन की चीजें याद दिलाने की कोशिश करती है लेकिन कारपेंटर एलिस को नहीं पहचानता। ये देखकर एलिस रोने लगती है। उसे रोता देख वो अचानक से उसे गुड्डी बुलाते हैं, जो कि एलिस का बचपन का नाम है। यानी कि एलिस को रोता हुआ देख उन्हें उनके अतीत की चीजें याद आने लगती है और इसीलिए एलिस उन्हें उनकी घड़ी देती है और बचपन की चीजें याद दिलाने की कोशिश करती है। अब इनकी ये प्रोसेस चली रही थी कि तभी वहाँ पे मैड मार्जर और उसके लोग आते हैं, जिन्हें देखकर कैटरपिलर कुछ खा के वहाँ से गायब हो जाता है और इन बाकी लोगों को पकड़ लिया जाता है। अब वहाँ से ये लोग निकल ही रहे थे तभी हैटर और चार्ली ने देख लेता है और क्वीन के लोगों पे हल्ला बोल देता है, लेकिन लड़ाई के बजाय चार्ली यहाँ पर भी डरपोक की तरह भाग जाता है और हैटर को ये लोग पकड़ लेते हैं। अब जैक से वो रिंग लेकर क्वीन को दी जाती है और उसे जैक का पूरा प्लान के बारे में भी पता चल जाता है। क्वीन को पता नहीं होता कि कारपेंटर अब उसके साइड में है या नहीं, इसीलिए वो जानबूझकर एलिस को मारने की बात करती है उसके सामने, लेकिन कारपेंटर कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए क्वीन उसे लैब भेज देती है। अब ये लोग एलिस और जैक को मारने का प्लान बनाते हैं लेकिन जैक उसे याद दिलाता है कि ये पूरा कैसीनो लोगों के इमोशंस पे चलता है। अगर एलिस को मार दिया गया तो काफी सारे नेगेटिव इमोशंस यहाँ आएंगे जिसके चलते कारपेंटर को भी चीजें याद आ सकती है, इसीलिए उसे सीधा अर्थ पे भेज दे। अब क्वीन ना चाहते हुए भी उसकी बात मानती है।
तो यहाँ पे हम चार्ली को देखते हैं, जो लड़ाई के मैदान से बुजदिल की तरह भाग आया था, इसीलिए उसे गिल्टी फील हो रहा था और खुद को काफी कोस रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर राजा के कंकाल पर जाती है और उसे एक आइडिया आता है। तो कसिनो में हम देखते हैं हैटर को काफी टॉर्चर किया जा रहा था ताकि वो रेजिस्टेंस ग्रुप का पता बताए, लेकिन वो नहीं बताता। तभी वहाँ पे मैडमैक्स उसे मारने के लिए आता है, लेकिन हैटर चालाकी से उसका मास्क तोड़ देता है, जिसके कारण खुद मैडमार्च मैनिपुलेट हो रहा था और अब वो सच्चाई देखने लगता है। तो यहाँ पे एलिस को मिरर रूम में लाते हैं। ये मिरर दरअसल एक डोरवे था अर्थ से इस दुनिया में आने का, और रिंग के मदद से ये लोग इसे ओपन करते थे। यहाँ पे काफी सारे बच्चों को किडनैप करके अर्थ से लाया गया था। ये देखकर एलिस काफी गुस्सा होती है और वो सोल्जर को कराटे करके मारने लगती है। ये देख दूसरा सोल्जर रिंग को लेकर यहाँ से भागने लगता है और एलिस भी उनका पीछा करते हुए बदक वाले जहाज से उन्हें पकड़ने जाती है। लेकिन सैनिक वो रिंग लेकर क्वीन के महल में आ जाते हैं और उसे बताया जाता है कि एलिस तो भागी गई है, लेकिन और एक बुरी खबर है। कसिनो अब अंडर अटैक है क्योंकि उसके सामने काफी भारी सेना आ गई है। और यहाँ पे हम देखते हैं कसिनो के सामने कोई सेना नहीं बल्कि चार्ली आया होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं चार्ली ने अपने सोल्जर के सारे कंकाल को कसिनो के सामने खड़ा कर दिया था और सबको लग रहा था कि बहुत ही बड़ी सेना आई हुई है। अब क्वीन के लोग उनसे लड़ने के लिए जाते हैं और चार्ली अपने क्रॉसबो से उन्हें मारने लगता है। तो यहाँ कसिनो में हम देखते हैं जैक एक अजीब से रूम में है जहाँ पे काफी सारी आंखें उसी को देख रही है, लेकिन तभी डचेस वहाँ आकर उसे बचाती है क्योंकि वो जैक से प्यार करती है। तो यहाँ पे एलिस को देखते हैं, वो वापस से कसिनो में आ गई है और वो कसिनो के मेन रूम में आती है जहाँ पे लोगों के इमोशंस लिए जाते थे। अब गार्ड्स उसे देखकर मारने के लिए आते हैं, लेकिन हैटर आके गार्ड्स को मार देता है। फिर ये दोनों रूम को लॉक करके इन सारे लोगों को उनके हिप्नोटाइज स्टेट से बाहर निकालने लगते हैं। उन्हें उनके फैमिली के बारे में याद दिलाते हैं। तो यहाँ कारपेंटर लैब से ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे भी रियलाइज होने लगता है कि उसकी जिंदगी यहाँ पे कुछ अजीब है। उसकी एक छोटी बेटी भी है और वो और कोई नहीं बल्कि एलिस ही है, इसलिए वो भी लैब से जाने लगता है। तो यहाँ ऊपर इंसानों को भी धीरे धीरे होश आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे काफी सारे ऑफिसर्स आकर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन कारपेंटर यानी एलिस के पिता आकर उन्हें रोकते हैं और एलिस को बताते हैं कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। और दोनों भी रियूनाइट होते हैं और वो एलिस से माफी मांगते हैं और बताते हैं वो छोड़ के नहीं गए थे, लेकिन उन्हें किडनैप कर लिया गया था। लेकिन तभी कारपेंटर का लैब पार्टनर वहाँ आता है जिसके साथ उसकी थोड़े समय पहले ही लड़ाई हुई थी, और वो एलिस को शूट करने जाता है, लेकिन कारपेंटर बीच में आ जाते हैं और गोली उन्हें लगती है और तभी हैटर उस पार्टनर को गोली मार देता है। अभी पूरा कसिनो इंसानों के इमोशंस पर चलता है और यहाँ अब इतने सारे मौत हो गई थी इसलिए इमोशंस के बड़े बड़े टैंक गिरने लगते हैं, पूरी जगह अनस्टेबल होती है और टूटने लगती है। अब मरने से पहले एलिस के पिता उसे गुड बाय करके यहाँ से बाहर जाने कहते हैं। तो यहाँ पे क्वीन भी अपने किंग को छोड़कर निकल आती है। तो यहाँ दूसरी तरफ चार्ली को होश आता है और वो आखिरी एरो बिल्डिंग पर मारता है और उसी समय बिल्डिंग टूटने लगती है और उसे लगता है कि ये कारनामा उसी का है। अब यहाँ सभी लोग बाहर आ गए हैं और क्वीन अपने लोगों से एलिस को पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन एलिस सबको बताती है कि क्वीन के पास अब कोई अथॉरिटी नहीं है, ये जगह भी अब उसकी नहीं है, इसलिए कोई भी क्वीन की बात नहीं मानता। और एलिस उससे रिंग मांग लेती है और क्वीन उसे रिंग दे देती है और सारे इंसान खुश होते हैं क्योंकि वो आजाद हो गए हैं। अब कुछ समय के बाद रेजिस्टेंस ग्रुप इस रिंग के मदद से वो मिरर एक्टिवेट करते हैं और सारे इंसानों को वापस उनकी दुनिया यानी अर्थ पे भेज देते हैं। एलिस चार्ली को गुड बाय करती है, वही जैक उसे रोकते हुए कहता है कि वो वहीं पर रुक जाए उसकी रानी बनकर, लेकिन एलिस उसे हक करते हुए मना कर देती है। लेकिन हैटर ये देख लेता है और उसे गलतफहमी होती है, उसे लगता है कि वो अभी भी जैक को चाहती है और वो एलिस के पास आकर कहता है, मैंने यही रहने का फैसला किया है, शायद तुम्हें भी अपने घर जाना चाहिए। ये सुनकर एलिस को बुरा लगता है कि हैटर उसके साथ नहीं आना चाहता और दुखी मन से वो भी मिरर से चली आती है और सीधा रास्ते पे बेहोश पड़ती है। उसकी आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है और कैरल उसे बताती है कि वो बस कुछ घंटे ही गायब हुई थी। अब अगले ही दिन उसे डिस्चार्ज मिलता है और वो अपने पिता का सारा सामान बंद करके एटिक में रख देती है क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उसके पिता कहाँ पे थे। तभी कोई दरवाजे पर आता है और वो देखती है कि ये और कोई नहीं बल्कि हैटर होता है और वो दोनों भी रियूनाइट होते हैं और एक रिलेशन शुरू करते हैं। और यही पे एलिस के वंडरलैंड की कहानी खत्म होती है।
ये सीरीज है एलिस, जो 2009 में रिलीज हुई थी। ये सीरीज अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।